हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी वाला लड़का में। दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। मैं आपको शेयर कराने वाला हूं अपने कॉलेज की, जहां पर मैं काम करता हूं, और वहां पर एक कार्यक्रम भी है। ले चलेंगे वीडियो में, आपको दिखाएंगे उस कार्यक्रम का दृश्य। चलिए ले चलते हैं। जिस कॉलेज में मैं काम करता हूँ, मेरे घर से बिल्कुल मेरे सामने है वो कॉलेज। और ये दोस्तों नेशनल हाईवे है 29, जो वाराणसी से गोरखपुर को जोड़ती है। इसको हम क्रॉस करेंगे और ले चलेंगे अपने कॉलेज की तरफ, जहाँ मैं काम करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है, दो बोर्ड लगे हुए हैं। एक फार्मेसी का बोर्ड है, एक पीजी यूजी का बोर्ड है। देखिए दोस्तों, आ गया हूँ लगभग अपने कॉलेज के पास। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत सुहावना है। यह है दोस्तों कॉलेज का मुख्य द्वार गेट, और सामने कॉलेज के स्टाफ बैठे हुए हैं, हल्के हल्के मुस्कुरा भी रहे हैं। देखिए कॉलेज का भव्य नज़ारा, कैमरे के अंदर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कॉलेज। और सामने ये कार्यालय है जो दिख रहा था आपको, ये संगोष्ठी चल रही है प्यून की। देखो दोस्तों कार्यालय, इसके ठीक बगल में प्रिंसिपल ऑफिस है, जिसके अंदर मैं काम करता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर के बतौर। आइए दिखाते हैं और भी नज़ारे कॉलेज के अंदर का। बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। यहाँ पर यूजी और पीजी कक्षाएँ संचालित की जाती हैं, साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डिफार्मा की कक्षाएँ भी संचालित की जाती हैं। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क नंबर दिया गया है, लोकेशन भी डाला हुआ है, ताकि आप यहां पर आसानी से पहुंच सकें और संपर्क कर सकें। यदि आप एडमिशन लेने में प्रवेश लेने में इच्छुक हैं तो दोस्तों, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जिस कॉलेज में मैं काम करता हूँ, यानी कि यह महाविद्यालय एक, और इसका नाम है कुमार परमार बाबा गोविंद महाविद्यालय। लोकेशन है कल्याणपुर, ग्राम पोस्ट कल्याणपुर, घोसी थाने में पड़ता है, और ब्लॉक भी इसका घोसी है। दोस्तों यदि छात्र छात्राएं दूर के हैं तो उनके आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। यूजी में कक्षाएं बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी में कक्षाएं एमए और एमएससी भी संचालित की जाती हैं, साथ साथ बीएड, बीटसी भी संचालित की जाती हैं। यदि आप इस एडमिशन लेने में इच्छुक हैं तो इसका निर्धारित शुल्क भी है, और शुल्क में निगोशिएशन भी हो सकता है यदि आप इच्छुक हैं तो। दोस्तों बात करें यहाँ के प्रबंधक जी के, तो इस कॉलेज के प्रबंधक काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, और इनके व्यवहार से पूरे ज़िले में इनका नाम है। आइए दोस्तों ले चलते हैं उस रूम में, कक्षा में, जहाँ पर मोबाइल वितरण किया जाएगा, जिसके लिए हम आए हैं। ये देखिए दोस्तों, शिक्षक बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। जो ये बच्चे हैं विद्यार्थी हैं, बीएड लास्ट ईयर के हैं, जिनको सरकार की तरफ से मोबाइल के लिए नामांकित किया गया है। बीएड में टोटल 100 सीटें हैं, बट किसी रीजन से कुछ बच्चों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। सभी विद्यार्थी काफ़ी एक्साइटेड हैं मोबाइल लेने के लिए। दोस्तों सरकार मोबाइल इसलिए दे रही है ताकि आप मोबाइल का सदुपयोग कर अच्छे गुणों को और अच्छी शिक्षा ले सकें। वीडियो के अंत में हम बताएंगे मोबाइल क्वालिटी, मोबाइल के बारे में
मोबाइल कैसा है, दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना हैंडीकैम भी लगाया हुआ है ताकि बाद में कोई बच्चा झूठ ना बोल दे, विद्यार्थी झूठ ना बोल दे कि हमें मोबाइल नहीं मिला है। दोस्तों मोबाइल वितरण हो चुका है और लास्ट में सामूहिक फ़ोटो लिया जा रहा है ताकि साइट पे अपलोड किया जा सके वेरिफिकेशन के लिए। और दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, मुझे भी मोबाइल मिला है, मैं भी एक बीएड का छात्र हूँ। चलिए दोस्तों मोबाइल को अनबॉक्स करते हैं कुछ ही देर में, उसके पहले इसके गुण बता देते हैं। इस मोबाइल का 3 GB रैम है और 32 GB इंटरनल मेमोरी है। और इस बात करें स्क्रीन की तो 6.5 इंच की इसका स्क्रीन है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और साथ में मिला है चार्जर जो हर मोबाइल के साथ मिलता है, और मिला है केस कवर मोबाइल प्रोटेक्शन के लिए ताकि गिरे तो मोबाइल सुरक्षित रहे। दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा है 5 MP और रियर कैमरा है, एक्चुअली रियर कैमरा दो कैमरे हैं, एक 2 MP एक 48 MP। आइए देखते हैं फोटो कैसा आता है रियर कैमरे से और फ्रंट कैमरे से। दोस्तों फ्रंट कैमरे की क्वालिटी एवरेज है, बात करें रियर कैमरे की तो रियर कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है फ़ोटो की, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और साथ में मिला है मोबाइल का इंस्ट्रक्शन की कैसे आपको इसको ऑन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं मोबाइल को, और सिम को इंसर्ट करने के लिए पिन भी दिया हुआ है। मोबाइल काफ़ी औसम लग रहा है, कूल लग रहा है देखने से। ये लो दोस्तों मोबाइल ऑन हो गई है मेरी। बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तो क्वालिटी की तो बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी चल रही है, 5000 mAh की बैटरी है, काफ़ी अच्छी चल रही है, मैंने चेक कर लिया है चलाकर, बट थोड़ा सा चार्जिंग स्लो है। सिक्योरिटी वाइज काफ़ी अच्छी है ये मोबाइल सैमसंग की A03, मैंने काफ़ी हद तक चेक कर लिया है। इसमें पैरेंटल गार्ड्स भी है। दोस्तों ये यदि आप मोबाइल का वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। यदि आप इस मोबाइल का वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के बाद हो सकता है आपकी मोबाइल ख़राब हो जाए, हैंग ज़्यादा करे। तो मेरी तरफ से यही दरख्वास्त है कि आप मोबाइल का वॉलपेपर चेंज ना करें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि आपकी मोबाइल जल्दी ख़राब हो गई। अभी जल्दी तो मिला था हमें, हालाँकि 3 GB रैम है, मोबाइल की स्पीड अच्छी है, अच्छी चल रही है। मेरी तरफ से यही सलाह है इसको अच्छे से यूज करें, यूजफुल तरीके से यूज करें, अपने जीवन में अपने भविष्य के लिए इसका सदुपयोग करें इस मोबाइल का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।